ओम नमस्ते जी। ये शिविर में आके बहुत आनंद आया। मैं सृजन शर्मा मिश्रवाई से रहने वाला हूँ। हमारा गांव है छोटा सा तहसील लेवल का। हमारे पिताजी पहले से आर्य समाजी हैं। मेरा जन्म ही वैदिक परिवार में हुआ है। इस कारण से कई शिविर अटेंड किए हमने, कई जगह शांतानंद जी का भी अटेंड किया था एक बार गोवा में, वहाँ भी गए थे। लेकिन यहाँ बहुत आनंद आया। वो थोड़े अलग टाइप का शिविर था, ये अलग ध्यान वाला शिविर है। ये ध्यान वाला शिविर पहले अटेंड किया है हमने, पहली बार। इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ यहाँ पे। और आगे ये ध्यान कुंज बन जाएगा, फिर बहुत कई बार आएंगे हम यहाँ पे। ऐसी कोशिश करेंगे आने की, अगर आचार्य जी का आशीर्वाद रहा तो। जी नहीं आचार्य वो तो हम करेंगे ही। तो आचार्य जी हमको जैसे सूचना करेंगे तो हम आएंगे। अभी भी इनका व्हाट्सएप पे ही मैसेज मिला था, उसी के आधार पर हम आए यहाँ पे। सहयोग भी तो चाहिए आप लोगों का। हाँ सहयोग तो करेंगे। उसके लिए हम इनको 5100 रुपये की राशि भेंट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत आदरणीय आचार्य जी, मेरे सभी भाई बहनों, मेरा नाम पवन कुमार चौहान है। मैं इंदौर का निवासी हूँ, एक शिक्षक हूँ। 40 साल से इसी क्षेत्र में सेवाएं दी है। क्वालिफिकेशन मैं एमए हिस्ट्री ज्योग्राफी, एमएड, एलएलबी ऑनर्स ईश्वर की कृपा से हूँ। यहाँ का जो अनुभव रहा, सबसे पहले जब यहाँ कदम रखा था तो जो हमारे पहला जो वेलकम किया था गुरुजी ने, और जो व्यवस्था इन्होंने एकोमोडेशन की व्यवस्था, रिसेप्शन की व्यवस्था जो भी की थी वो प्रशंसनीय थी। इसके साथ साथ यहाँ पर आने के पूर्व ही श्री ईश्वरानंद जी से जो व्हाट्सएप पे वार्तालाप हुआ था और जो भी दिशा निर्देश दिए थे वो ठीक उसी प्रकार से थे जिस प्रकार से विवाह के अंदर बाराती आते हैं और उनको हर कदम कदम पर अगवानी करने वाले लोग मौजूद रहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में आए। ऐसे व्यवस्था कम से कम मैंने शासकीय सेवा में स्पॉट पर आने के बाद तो मिली, लेकिन रास्ते से ही कोई स्वागत करे हमारा और अपने घर पे भी हमें प्रेरित करे कि आना है तो मैं आया। जहाँ तक मेरे जो प्रथम वक्ता ने कहा कि उनकी आयु कुछ वर्ष बताई थी, 9 वर्ष, और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरी आयु केवल 2 या 3 महीने है और लौकिक जगत में 70 साल मैंने पूरे कर लिए हैं। तो इस प्रकार यह है। और इसे 3 महीने के बीच 2 बार शिविर करने का मौका दोनों आचार्यों की कृपा से प्राप्त हुआ है। जहाँ तक आध्यात्मिकता का सवाल है, जीवन का परम सत्य तो हमारा यही है कि हमें मोक्ष मिले। हम भी ये इच्छा करते हैं, कोशिश करेंगे कि गुरुजनों के आशीर्वाद से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों की प्रेरणा से, सहयोग से हमें अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी। नमस्ते जी, मेरा नाम विजय कुमार सिंगल है। मैं जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश पिलखुए का निवासी हूँ। बेडशीट का मेरा व्यापार है और मैं इससे पहले 3 बार रोजड़ का शिविर भी कर चुका हूँ। आचार्य स्वामी सत्यपति जी के भी मैंने काफ़ी वक्तव्य सुने हैं। आचार्य ज्ञानेश्वर जी का भी मुझे काफ़ी मार्गदर्शन मिला है। स्वामी विवेकानंद जी का भी मैं प्रवचन का भी सुन चुका हूँ। स्वामी विवेकानंद जी हमारे यहाँ पिलखुआ हमारे घर पर निवास भी कर चुके हैं। मैं ये शिविर बार बार इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और जब मैं शिविर करता हूँ तो जब जाता हूँ तो 3-4 महीने 6 महीने तक शिविर की याद भी ताज़ा रहती है और वो मेरा प्रोटोकॉल भी रहता है। और धीरे धीरे सने सने वो अपने व्यापारिक उसमें रखने के बाद में धीरे धीरे वो कम हो जाता है। तो मैं तो अपने इस को रिन्यू करने आता हूँ। बाकी तो हमारा पूरा परिवार हमारे बाबा से ही आर्य समाज रहा है, संस्कार सारे आर्य समाज के रहे हैं। तो मेरे को तो सर्वोत्तम यही है।
तो मैं तो अपने गृहस्थ में रहते हुए इन शिविरों को इस वजह से करता हूँ कि मैं रिन्यू करता हूँ मैं इनको अपने आप को। हाँ बाकी तो सब बढ़िया है, ये सर्वोत्तम है ये। ओम नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। मैं बेजपाल सिंह आर्य दिल्ली से आया हूँ। मुझे आर्य समाज के विषय में तो काफ़ी दिनों से पता है, मैं आर्य विदल के शिविर भी अटेंड किए हैं, लेकिन मुझे मेन यहाँ जो आके लाभ हुआ आचार्य जी की शरण में, मैं ईश्वर से प्रेम तो करता था लेकिन इतनी गहराई से नहीं पता था, मेरा मन लगने लगा भी। और क्या बताऊँ, ठीक है सब, बाकी आर्य लोग मिले, इन लोगों को देख करके मुझे अच्छी प्रेरणा मिली, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोग, मतलब मैं अपने आप को समझता था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तो कहीं भी नहीं, लोगों का व्यवहार देख करके, वो सब कुछ देख करके मुझे अपने आप को थोड़ा और महसूस हुआ कि ये लोग मेरे से बहुत अच्छे हैं। तो यही आचार्य जी आपकी कृपा रही। जिस व्यक्ति ने मुझे को बोला था कि भाई शिविर में चलना, बेचारे कि उसके घर में ही कुछ दुर्घटना होगी, वो नहीं आ पाया और मुझे मौका मिला, तो मैं तो इस क्रिया को और आगे बढ़ाऊँगा। जितने भी मेरे संपर्क में हैं लोग उनको और बढ़ाएंगे। तो यही मैं आपसे सब लोगों से भी निवेदन ये करता हूँ कि आप ये विद्या लेकर के खुद ना रखें अपने पास में, समाज में से बढ़ाओ। हमारे आर्य समाज का जो प्रचार नहीं है यही है कि हम अपने तक सीमित हैं, हम बढ़ाते नहीं हैं। दूसरे मत मंत्र जितने भी मत मंत्र हैं ये लोग लट लेके चल रहे हैं और धकेल रहे बातों को, और जब भी ये मतलब लोग बढ़ रहे हैं। बस मेरा यही निवेदन है सब लोगों से कि यहाँ अपनी जो क्षमता है उसको दिखाओ। और आचार्य जी आपका धन्यवाद, आपकी व्यवस्था बहुत बढ़िया, आपके यहाँ सब लोग अच्छे हैं। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते जी। मैं आर्य समाज से तो पिताजी के कारण बाल्यकाल से ही जुड़ गया था। लगभग 35 वर्षों से आर्य समाज गोविंदपुरी मोदी नगर में कुछ दायित्व लेकर के भी काम कर रहा हूँ। भिन्न भिन्न आयोजनों में अच्छे अच्छे कई उपदेशों के माध्यम से, भजनोपदेशकों के माध्यम से बहुत कुछ सुनने को मिला। त्रिदिवसीय, पंचदिवसीय, सप्तदिवसीय कार्यक्रम भी अपनी आर्य समाज में भी आयोजित हुए और इधर उधर निकटवर्ती क्षेत्रों में भी आयोजित होते रहे। आर्य महासम्मेलन अथवा अन्य अन्य इस प्रकार के कार्यक्रमों में भी आना जाना होता रहा, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा आवश्यक नहीं था कि कोई एक वक्ता जिस विषय को लेकर के चल रहा है, आने वाला वक्ता उसी विषय को आगे लेकर के चले। अपनी अपनी तैयारी, अपनी अपनी भावनाओं के आधार पर सभी वक्ता अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यहाँ जो विशेष रूप से मुझे आनंद का अनुभव हुआ वो यह है कि एक निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित योजना के अनुसार क्रमशः कब किस विषय को कैसे आगे आगे बढ़ाना है, इस जो पद्धति है इससे मुझे बहुत लाभ हुआ, क्योंकि इस प्रकार का शिविर मैंने पहली बार ही अटेंड किया है। जनवरी 2019 में जब मैं नौकरी से अवकाश प्राप्त किया तो मन में ये तो था कि ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि के बारे में कुछ जानना है कि ये कैसे होता है, क्योंकि इसका अवसर इससे पहले नहीं मिल पाया था। और इसी अभिलाषा के साथ मैं शिविर में आया भी था। मैं इसे निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि जिस आशा विश्वास के साथ मैं शिविर में आया था, मुझे निश्चित रूप से वो बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। जिस पाठ्यक्रम को लेकर के श्रद्धेय आचार्य जी ने और इस शिविर को आयोजित किया है, मुझे उसमें निश्चित रूप से बहुत लाभ मिला है, और मैं भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों में पहुँच पाऊँ ऐसी मेरी इच्छा भी रहेगी। विद्या ददाति विनय, इस प्रकार की उक्ति कहीं कापी किताबों में या कहीं शिक्षण संस्थानों की दीवारों पर लिखा हुआ तो बहुत मिलता है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण व्यवहार में किस प्रकार के आ पाए, यह मैंने श्रद्धेय आचार्य जी के व्यवहार में ही देखा। शायद सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में इस कार्यक्रम की सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से आई थी, तभी मैंने एक दो दिन के अंदर श्रद्धेय आचार्य से संपर्क किया
जानकारी लेकर के 3 अक्टूबर को, और मैंने अपना रिजर्वेशन वहाँ से करवा दिया। उसके पश्चात क्योंकि पहली बार ऐसे कार्यक्रम में आ रहा था और घर से काफ़ी दूर आ रहा था, लगभग 950-950 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है, तो कई बार मन में कई प्रश्न कई शंकाएं आती रहीं। और मैं आचार्य जी से बस जब भी मन आया तो फ़ोन मिलाया और आचार्य से बात करी। इस कार्यक्रम के व्यस्तता भी रही होगी, अन्य अन्य उत्तरदायित्व श्रद्धे आचार्य जी के पास बहुत हैं तो बहुत व्यस्त रहते होंगे, लेकिन उस समय में भी आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि अच्छा आप थोड़ी देर रुको मुझे बाद में फ़ोन करना या थोड़ी देर बाद मैं आपसे फ़ोन करूँगा। जब भी मैंने फ़ोन किया आचार्य जी ने तुरंत उसको अटेंड किया और बहुत भली भांति से जो भी मेरे मन की शंकाएं थी या जो भी मेरे प्रश्न थे उनको ठीक प्रकार से उन सब का समाधान किया। और ऐसी उत्कट इच्छा कि जो व्यक्ति आश्रम के साथ जुड़ना चाहता है, जो व्यक्ति शिविर के साथ जुड़ना चाहता है, वो कहीं किसी भी कारण से चूक ना जाए, कोई ऐसा व्यवधान ना आ जाए जिसके कारण से वो और ढिलाई होकर कर शिविर में ना आ पाए, तो समय समय पर जब भी बात हुई, हाँ जी आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वापसी का भी करवा लिया, कहाँ आएंगे कैसे आएंगे, यहाँ तक कि मैं 29 की सुबह इंदौर पहुँच गया था, मेरे एक परिचित रहते हैं उनके यहाँ रुका मैं, तो 1 तारीख को सुबह 9:30-10 बजे और श्रद्धेय आचार्य जी का फ़ोन आया, हाँ जी कहाँ पहुँचे, मैं बोला जी बस हम चल पड़े हैं इंदौर से और रास्ते में ही ये जो नर्मदा का पुल है इससे थोड़ा हम पीछे, बस अब तो अब 10 मिनट का रास्ता रह गया और आप वहाँ आइएगा और वो बोर्ड लगा हुआ आपको मिलेगा और वो मोड़ टका पर उतर जाइए आप और वहाँ से टेम्पू करके पहुँच। यानी कितनी स्वयं में इच्छा है कि ऐसे कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोग आएँ और कुछ उसका लाभ उठाएँ, ऐसा मैंने श्रद्धेय आचार्य जी के अंदर देखा है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की प्रेरणा हम सब के बीच बनी रहे और इस प्रकार के शिविरों के अंदर आकर के हम अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। इत्योम शम। नमस्ते। ये परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर मेरे दादाजी ने भी पारायण यज्ञ करवाई, उन्हीं के समय से दैनिक यज्ञ हमारे परिवार में चल रहा है, आज भी चल रहा है और बच्चे भी ईश्वर की कृपा से कर रहे हैं। हालांकि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, जैसे एक बेटा US में है तो वहां तो करना संभव नहीं है, एक ग्रेटर नोएडा में वो रविवार को अवश्य करता है। तो मैंने भी हमें क्योंकि शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे मतलब नाना जी भी, मेरी माता जी भी ये वैदिक परिवार से जुड़ी हुई थी और माता जी की ही ये मतलब समझता हूँ उन्हीं का वो है कि जो मैं इस आर्य समाज से जुड़ा रहा और पठन पाठन शुरू से सैकड़ों किताब है मेरे पास। मेरी माँ कहती थी कि भाई बेटा एक लाइन पढ़ ले, एक पैराग्राफ पढ़ ले। मतलब हमारे नाना जी माँ मतलब गाँव में तो 100 साल पहले की बात है महिलाओं को पढ़ाते नहीं थे, तो घर पे आते थे कोई शास्त्री जी ने पढ़ाने सत्याग प्रकाश। तो मेरा कहना ये है कि मैं शुरू से आर्य समाज से जुड़ा रहा हूँ और बुलंदशहर में बहुत कार्यक्रम वगैरह भी कराए हैं, लेकिन उन सब का निचोड़ ये रहा कि लोग आते हैं व्याख्यान सुनते हैं और शायद मैं बताऊँ 1% भी में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर मुझे यहाँ के आचार्य जी के कार्यक्रम की सूचना मिली, मैं तभी रजिस्ट्रेशन करा दिया था और रिजर्वेशन करा दिया था। फिर इनकी सूचना मिली कि आपका टाइमिंग ठीक नहीं है, दूसरी ट्रेन से कराने उन्होंने बताया, मुझे सजेस्ट किया तो कैंसिल करा के मैंने उस ट्रेन में रिजर्वेशन कराया। उसके पश्चात फिर मिली मुझे सूचना वहाँ की रोहतक की सुंदरपुर की सूचना, वो 21 से 28 तक था, 21 से 28 तक वो मैंने कार्यक्रम अटेंड किया और सच में वो वास्तव में अद्भुत ही था। मेरा तो प्रथम ही मतलब वो अनुभव था, क्रियात्मक योगाभ्यास प्रशिक्षण शिविर उन्होंने उसको नाम दिया था। तो उन्होंने योगाभ्यास करने की ध्यान लगाने की विधियां सिखाई और फिर उसके तुरंत ही बाद ये आ गया आचार्य जी का कार्यक्रम। तो उसमें जो है एक निरंतरता रही। मैं बहुत अधिक ना कहकर कि आपको अपने थोड़ा अनुभव बताता हूँ कि ये व्याख्यान आदि सुनने तो इतना नहीं है, अभी तक जितने भी कार्यक्रम होते थे और जैसे शिविर वगैरह भी होते थे थ्योरेटिकली जाते था। ये पहली बार इन 2 शिविरों में हुआ कि क्रियात्मक योगाभ्यास के विषय में सिखाया बताया गया। और दूसरी बात एक ये है कि आप लोग निरंतर से जुड़े रहिए शिविरों से। जो लोग सेवानिवृत्त हैं, मैं 2015 में सेवानिवृत्त हो गया था बैंक से, उसी वर्ष ही मैंने 2015 में ये ऋषि उद्यान अजमेर में शिविर किया था, उसके पश्चात 2019 में किया,
तो इतना सारा गैप हो गया तो वो जो पहला था सब मिट गया एक प्रकार से। तो ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए, तभी यदि इसका पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि गृहस्थ में जाकर या समाज में जाकर के वो परिस्थिति बनी ही नहीं रह सकती। आपके आसपास के जिनसे आपके संबंध हैं वो उस मानसिकता के लोग नहीं हैं, फिर आपको जाना भी पड़ेगा बाजार में, समाज में सबसे संपर्क करना पड़ेगा, तो वो परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हो जाती हैं। तो हालांकि मैं, मेरा भी आप समझिएगा आत्मबल इतना नहीं है, मेरा तो मन बहुत ज़्यादा है कि मैं ऐसे ही किसी स्थान पर जाकर के रहूं महीने दो महीने, तो ये परिस्थितियाँ होंगी। और मैं एक बात ये भी कह रहा हूं कि आप लोग ये आचार्य जी के ध्यान कुंज से जुड़िए। देखिए हमारे विद्वानों की ऊर्जा व्यर्थ नष्ट हो रही है, ये यहाँ की व्यवस्था करने के लिए थोड़ी है ये विद्वान लोग, इनकी कितनी ऊर्जा इसमें जा रही है। यदि यहाँ अच्छा कोई आश्रम होता पहले से, वहाँ ब्रह्मचारी पढ़ते हुए होते तो ब्रह्मचारियों का बहुत योगदान होता इस कार्यक्रम में। इनको शुरू से सुबह से लेकर आखिर तक इसी में अपनी ऊर्जा व्यस्त करनी पड़ रही है। तो आप सबसे ये है कि जितनी भी जिसकी सामर्थ्य है यथा सामर्थ्य अपना इनको सहयोग दीजिए और ये ध्यान कुंज आश्रम यहाँ स्थापित हो जाए तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। प्रणाम जी, नमस्ते जी, ओम शांति। मुझे यहाँ आकर बहुत संतुष्टि और बहुत आनंद मिला। नर्मदा नदी के किनारे आकर हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो गया। परमात्मा की असीम कृपा से हम यहाँ आए और हमें बहुत आनंद और बहुत अच्छा लगा। ईश्वरानंद जी की और स्वामी जी की मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ, नहीं तो मैं काफ़ी समय से ऐसे ही 20 वर्षों से काफ़ी संस्थाओं में मैं गया, 3-4 संस्थाओं में मैंने 20 वर्ष बिताए, लेकिन उस 20 वर्षों में मैंने जो ज्ञान अर्ज किया लिया उसको प्रमाणित कोई नहीं कर पाया। प्रमाण मतलब मैंने तो उसको ग्रहण किया, धारण भी किया, लेकिन खुद भी मैं उसको प्रमाणित नहीं कर पाया। लेकिन जब से मैंने वेद पढ़े तो वेदों से मुझे वो प्रमाण मिला कि ये ज्ञान ठीक है, ये उचित है, ये अनुचित है, यानी कि विवेक मिला मुझे वेदों से। विवेक के कारण मैं उचित को धारण कर सका, अनुचित को वैराग छोड़ चुका। ये है तो मुझे वेदों से बहुत पता चला, सूक्ष्म का पता चला, स्थूल का पता चला, कारण का पता चला, समाधि का पता चला, बहुत कुछ मुझे आनंद प्राप्त हुआ इस ज्ञान से। और बहुत चाहना थी मुझे परमात्मा को खोजने की, क्योंकि आप जानते हैं जब संसार में कोई अपना नहीं लगता, जब संसार से हमारा जब मन हट जाता है और ये माया हमें जो आकर्षित करती है, इससे जब हमारा जब मन परमात्मा की ओर जाता है, मतलब अपने को खोजता है, स्वयं को जब ढूंढता है, तो एक परमात्मा ही याद आता है। और जब परमात्मा जब इस संसार में नहीं मिलता, उसको मूर्तियों के रूप में बताया जाता है, इंसानों के रूप में, गुरुओं के रूप में बताया जाता है, तो बड़ा ही कष्ट होता है कि भगवान आपने इस संसार में हमें भेज तो दिया, हम अकेले कैसे रहें आपके बिना। तो उसको खोजने के लिए इंसान जब दर दर भटकता है और निराश होकर के जब आता है तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब हमें सच्चे वेद मिले और वेदों में साफ साफ लिखा है कि वेद प्रमाण परमात्मा का है और परमात्मा प्रमाण वेद है, मतलब परमात्मा का प्रमाण यदि चाहिए तो वेद है, और वेद को यदि आपने पढ़ा और परमात्मा का प्रमाण चाहिए तो आपको परमात्मा के दर्शन है। तो दर्शनों से वेदों का प्रमाण मिलता है और वेदों से परमात्मा का प्रमाण मिलता है। तो ये प्रमाण हमें स्वामी जी के द्वारा प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई। यहाँ आकर बहुत अच्छी व्यवस्था लगी हमें, और बाकी संस्थाओं में जो मैं पहले जाता था, तरह तरह का ज्ञान लेता था, ज्ञान जैसे हीरे जो मैंने प्राप्त किए, लेकिन प्राप्त तो कर लिए, ज्ञान तो अनंत है, परमात्मा जब अनंत है तो ज्ञान भी अनंत है, उन हीरों को मैं प्रमाणित कैसे करूं? एक जोरी भी बाजार में हीरे लेकर के आ तो जाता है, लेकिन वो प्रमाणित तो कराने के लिए लैब में जाता है, लैब है ही नहीं, और ज्ञान की लैब कोई है नहीं। लेकिन जब मुझे ये प्रमाणित ज्ञान मिला, इससे मैंने जब मैच किया अपने अनुभव को, तो मैंने जब मैच किया तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई, तृप्ति मिली मुझे कि हाँ मुझे सत्य ज्ञान मिला। और जो मैंने पाया, जो आज तक मैंने 20 वर्षों में पाया, उसमें से 25% सत्य था, 75% झूठ था। तो झूठ को छोड़ दिया, 25% को धारण किया और उससे और आगे बढ़ा।
और उससे आगे बढ़ा तो मुझे पूरी ब्रह्मांड का पूरी सृष्टि का ज्ञान मुझे मिला और इस प्रकृति से परे का ज्ञान मिला। इस परे का ज्ञान जो मिला उसके बाद समाधि लगाई और मुझे काफ़ी अनुभव मिले साक्षात्कार के, तो मैं आनंदित हो गया। और उसके आगे मैं और भी समझना चाहता हूँ स्वामी जी के पास, अब मैं शिष्य बन गया हूँ इनका और आगे पूरी मेहनत करके और खुद भी जानूंगा और अपने साथियों को भी जगाऊंगा, ये मैं चाहता हूँ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, आपने हमें बहुत अच्छे प्रोग्राम में बुलाया और हमारा बहुत सम्मान मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओम सर्वेभ्यो नमः। मेरा नाम मोहन मोखरी वाले है, मैं इंदौर से आया हूँ और हम दोनों पति पत्नी आए हैं और मेरी पत्नी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में BARC डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम करती हैं, लेकिन वो भी छुट्टी लेकर के मेरे साथ आने के लिए तैयार हुई क्योंकि हम दोनों का ही की ही रुचि शुरू से योग और अध्यात्म में इतनी रही है कि मैं तो बचपन से ही योग और अध्यात्म में रुचि होने से कई संस्थाओं में मैंने विजिट किया, वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, योगाभ्यास की टिप्स ली और उसके बाद मैं लगभग 5 वर्ष पूर्व एक मेरे मित्र के संपर्क में आया जो कि आर्य साहित्य से ऑलरेडी परिचित थे, आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो वो कुछ किताबें लिखना चाह रहे थे जिनके लिए मैंने उनकी जो भी मुझसे संभव हुई एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग के बारे में मैंने ज़्यादा मदद की उन्हें का, क्योंकि सारा ज्ञान तो उन्हीं का था। तो वो 2 किताबें भी हमने पब्लिश की हमारे मित्र ने, एक का नाम है अथा तो धर्म जिज्ञासा और दूसरी पुस्तक का नाम है वेदों में ईश्वर का स्वरूप, और तीसरी पुस्तक जो जीवन दर्शन जो अब पब्लिश होने वाली है। तो मुझे वो सारी ज्ञान उन्होंने देने के बाद में ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं वास्तव में वंचित था सही ज्ञान से, और मैंने फिर धीरे धीरे उन्हीं की प्रेरणा से रोजड़ में 7 दिन का क्रियात्मक योग शिविर किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव आया। और उसके बाद मैंने 2 शिविर जो मतलब रेसिडेंशियल नहीं थे, इंदौर में 2 बार आयोजित हुए और रोज़ वहाँ सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक हम लोग रहते थे, वो अटेंड किए। उसके बाद ये 4th शिविर है और मुझे वास्तव में यहाँ आकर भी बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ, बहुत ही व्यवस्था और सारी ही चीज़ें, 1-2 चीज़ें जो अपने नियंत्रण में नहीं है उनको कोई बात नहीं समझ के अपन छोड़ देना चाहिए। तो जैसे लाइट का ही है फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि इससे काफ़ी तकलीफ होती है लेकिन कोई बात नहीं, जब ज्ञान प्राप्त करना है तो सभी चीज़ कष्ट और तप जो आचार्य जी ने हमें बताया कि तप भी हमें करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार मैं यही कहूँगा कि इतना सुखद व ज्ञानवर्धक ये अनुभव रहा कि मुझे लगता है कि अब जितने भी यहाँ शिविर होंगे मेरी आने की इच्छा रहेगी और हम दोनों ही आएंगे। अगले वर्ष मेरी श्रीमती जी रिटायर होने वाली हैं, उसके बाद हम यहाँ मतलब ज़्यादा समय व्यतीत कर पाएंगे और जो नया प्रकल्प ध्यान कुंज आश्रम का शुरू हो रहा है उसमें निश्चित रूप से हम लोग आजीवन जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये मैं बिल्कुल ईश्वर की इच्छा हुई तो ये सफल होगा ये कार्यक्रम और हम भी उससे जुड़े रहेंगे। मैं आचार्य जी का और सभी वॉलंटियर्स का जिन्होंने इतनी व्यवस्था की सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपका भी। सबको सादर नमस्ते जी, मैं मनोज कुमार देहरादून से। मैंने पहले भी बहुत शिविर किए हैं, ये मेरा 4th-5th शिविर है, लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ ध्यान की जो विधि सिखाई गई वो इतनी अच्छी थी मैं आपको बता नहीं सकता। पहले मैं ध्यान करता था और कुदरती बात है कि मैं इन्हीं पन मंत्रों पे ध्यान करता था, लेकिन मैं बस मंत्रों का अर्थ नहीं जानता था, मंत्र बोल देता था, मैं सोचता था चल बाकी अर्थ तो ईश्वर जानते ही हैं वो अपने आप समझ लेंगे। लेकिन अब ये पता लगा कि अर्थ वो अपने लिए चाहिए, ईश्वर के लिए नहीं चाहिए था। तो अब ये जो अर्थ सही पता लगा तो अब मैं अर्थ से करा तो नर्मदा नदी बैठ के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे भी इनसे आता रहूँगा। धन्यवाद। मैं प्रियदेव खत्री, सबको सादर नमस्ते। मेरा जन्म आर्य समाज परिवार में हुआ और यज्ञ वगैरह हमारे यहाँ सब होते रहता था, सारे मंत्रों का होता था, पर जो चीज़ को मैंने करीब से यहाँ देखा वो मैंने अब तक नहीं देखी। ऐसे तो मैं कई सम्मेलनों में भी गया पर जो यहाँ मैंने अपने अंतरात्मा से एकदम जो मैंने आचार्य जी ने इतने सरल तरीके से हर चीज़ को इतने सुंदर तरीके से समझाया और इतने ध्यान किसको बोलते हो, मैंने यहाँ आके जाना, ध्यान तो बहुत सुना होता भाई, ध्यान लेते समाधि लेते
पर सब मेरे को ऐसा अजीब लगता था कि भाई कैसे होता होगा, पर आचार्य जी ने इतने सुंदर तरीके से उसको समझाया और वो मैं आगे भी ये चीज़ करना चाहूँगा, मैं प्रण लेके जा रहा हूँ कि मैं ध्यान तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ध्यान से मेरे को जो अनुभूति हुई है, मेरी उम्र के आज तक मैंने ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं की जो मेरे को यहाँ आके अनुभूति मिली। मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ कि जो मैं यहाँ आया, और मैं आगे भी आचार्य जी से जुड़ा रहूँगा और मैं चाहूँगा कि ईश्वर आचार्य जी के ये जो यज्ञ किए हैं ध्यान कुंज, इसको बहुत जल्दी जल्दी सार्थक करें, ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। और आचार्य जी बहुत जल्दी ध्यान कुंज खोले जिससे हम सब लोग फिर से यहाँ आ सके, यही निवेदन आचार्य जी से है। ठीक है, धन्यवाद जी, सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम सुनील कुमार भाटिया है, मैं मोदी नगर से आया हूँ और मैं प्रभु की बहुत असीम कृपा समझता हूँ कि मेरा परिवार एक वैदिक परिवार में हुआ, मेरा जन्म एक वैदिक परिवार में हुआ। मेरे पिताजी मेरे दादाजी भी वैदिक परिवार से ही जुड़े हुए थे, तो मुझे बचपन से ही आर्य समाज में आर्य समाज के संस्कार मिले। मैं आर्य समाज में जाता रहा हूँ बचपन से लेकर अब तक, अभी भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा मुझे मौका नहीं मिला मैं किसी शिविर वगैरह में जा सकूँ। इस शिविर के लिए मुझे भाई साहब आए हुए हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, मैं आया उनके साथ। तो बल्कि मैं तो अब ये समझ रहा हूँ कि इस ऐसे शिविर को मुझे आज से 20 साल पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, जो मैं इसको अब ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि क्या ध्यान अवस्था है, कैसे है, क्या करना है। आर्य समाज में भी बहुत सारे प्रचारक भजनोपदेशक वगैरह आते रहते थे, उनके हम प्रवचन सुनते थे, लेकिन ऐसा मार्गदर्शन नहीं मिला कि हमें किस लिए और क्यों ध्यान लगाना चाहिए, ये हमें यहीं पर आके पता लगा। तो मैं आचार्य जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सारा हमारा मार्गदर्शन किया है, और मैं आगे भी ऐसे ही शिविर ज्वाइन करता रहूँगा, ऐसे कर। धन्यवाद जी। सभी को सादर नमस्ते, मेरा नाम अनिल, महू से आया हूँ इंदौर ज़िले में। शिविर का अनुभव बहुत अच्छा रहा और यही कामना करते हैं इस तरह के शिविर बार बार लगते रहें और इस शिविर को सफल बनाने में दोनों आचार्य जी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया उन सब का मैं हृदय से आभार मानता हूँ। धन्यवाद जी। आचार्य जी, धर्म प्रेमी बंधु और मातृशक्ति को सादर नमस्ते। मेरा नाम हरि सिंह आर्य हरि सिंह ठाकुर और मैं ग्राम राजोदा जिला देवास से आया हूँ यहाँ पर, और मैंने भी पहले 4-6 बार यानी कि शिविर अटेंड किए हैं रोजड़ आरिवन और अजमेर वगैरह में, और काफ़ी यानी कि यहाँ पर मुझे वैदिक संसार के एक उससे मालूम चला कि यहाँ पर शिविर होने वाला है। मैंने आचार्य श्री से संपर्क स्थापित किया, उन्होंने मुझे अलाउ किया यहाँ पर, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और यहाँ पर जो दूसरी जगह शिविर अटेंड किए थे उससे यहाँ पर मुझे काफ़ी यानी कि शिक्षा प्राप्त हुई, मैं इनके लिए बहुत और यहाँ पर योग दर्शन के ऊपर ज्ञान कर्म उपासना और सभी योग के अष्टांग योग के संबंध में और काफ़ी यानी कि उन्होंने बड़े विस्तृत बड़ा अच्छे ढंग से समझाया, इसलिए आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद।